Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. Students, today we are going to start chapter four of your reasoning book. That is coding decoding. Okay. So first of all, what is the meaning of coding? Coding ka meaning kya hota hai bache? Coding is related to code. Okay. Or code kya hota hai, bache? देखिए कोडिंग मीन्स होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट वे में दिखाना ओके okay? किसी वर्ड को एक और वर्ड असाइन कर देना उसको बोलते हैं कोडिंग ओके सो स्टूडेंट्स कोडिंग के लिए वर्ड यूज होता है कोल्ड कोल्ड ओके कोडिंग के लिए क्या वर्ड यूज होता है कोल्ड लाइक स्टूडेंट लाइक like, अगर मैं आपको बोलूं, मैंने ये हेलो वर्ड कॉड किया है किस में वन टू थ्री थ्री फोर ओके सो इक्मीस मैंने क्या किया हेलो वर्ड की ये क्या है कॉडिंग। एच किस को रिप्रजेंट कर रहा है वन को ई e कर रहा है टू को एल कर रहा है थ्री को और ओ कर रहा है फोर को ओके इफ़ आई से हेलो इज कोल्ड वन टू थ्री थ्री फोर ओके सो दिस इज कॉडिंग ओके बच्चे और डिकॉडिंग क्या होता है डिकॉडिंग इज रिवर्स ऑफ कॉडिंग डिकॉडिंग क्या होता है बच्चे किसी कोडेड वर्ड को फिर से नॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करना इज डिकॉडिंग किसी कोडेड टर्म को किसी कोडेड वर्ड को फिर से क्या करना नॉर्मल वे में लाना उसे बोलते हैं डिकॉडिंग देखिए देखो स्टूडेंट्स जो डी के क्वेश्चन हैं उसमें यूज़ होती है टर्म मीन्स ओके डी कोडिंग वाले टर्म्स में क्या यूज़ हो रही है टर्म मीन्स इफ़ आई से वन टू थ्री थ्री फोर मीन्स हेलो ओके सो मीन्स आएगा तो क्या होगा डिंग और कॉल्ड आएगा तो अकॉर्डिंग मीन्स में हमें क्या देखना पड़ता है कि जो आपको वर्ड है इसकी कोडिंग किस वर्ड में हुई थी ओके सो हाउ टू डिकॉर्ड द क्वेश्चन गिवन इन कोडेड लैंग्वेज सो हम कैसे कोडेड लैंग्वेज में लाइक like ये कोडेड लैंग्वेज है कैसे क्वेश्चन को डिकोड करेंगे ओके okay? In these type of question some particular words are assigned certain substituted names. Okay students, in type of questions में क्या होता है? कुछ words को क्या देते हैं हम अलग से एक name substitute करते हैं, एक name देते हैं. Then a question is asked. डैट इज़ टू बी आंसर इन द सब्सिट्यूटेड कॉड लैंग्वेज और हमसे क्वेश्चन पूछेंगे सो so, जो हमने आंसर्स करना आंसर करना होगा वो उसी सब्सटीट्यूटेड उसी कोडेड लैंग्वेज में करना होगा जैसे कि स्टूडेंट देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए आप इफ कुक इज कोल्ड पटलर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया है कोल्ड सो इट मीन्स इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है कॉर्डिंग कुक वर्ड को किस में किया है बटलर बटलर इज कोल्ड मैनेजर बटलर को किस में कॉड किया है मैनेजर में एंड मैनेजर इज कोल टीचर मैनेजर को किस में किया है टीचर वर्ड में मीन्स इनको क्या दे दिए हैं इन वर्ड्स को क्या और वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं देन हु कुक द फूड सो कुक को कौन फूड को कौन कुक करेगा स्टूडेंट्स फूड को कौन कुक करेगा देखिए स्टूडेंट्स कुक जो कुक होता है वो फूड को कुक करता है राइट right? जो कुक होता है वो क्या करता है फूड को कुक करता है बट हमने आंसर किस में देना है सब्सटीट्यूटेड कोड लैंग्वेज में बट हमने कोडेड लैंग्वेज में ही आंसर करना है बच्चे सो so, यहाँ पर हम कुक को क्या बोल रहे हैं कुक को किसने कॉर्ड किया है कुक इज़ कुक इज कॉल्ड बटलर सो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे बटलर सो आंसर आएगा ऑप्शन बी सेकेंड क्वेश्चन देखिए इफ ब्लू मीन्स ग्रीन अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है मीन्स इट मीन्स ये क्या हो रही है डिकॉर्डिंग इट मीन्स क्या है ग्रीन को किस में किया गया था ब्लू में ग्रीन मीन्स येलो येलो को किसमें कोड किया गया था ग्रीन में येलो मीन्स वाइट वाइट को किसमें कोड किया है कोड किया गया है येलो में देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्रोकली सो ब्रोकली का कलर क्या होगा सो यू ओन नो स्टूडेंट्स जो ब्रोकली का कलर होता है वो ग्रीन होता है राइट बट ग्रीन की रिकॉर्डिंग किसमें की हुई है ग्रीन मीन्स ब्लू हम इसमें कैसे देखेंगे इसे बैकवर्ड ग्रीन की अकॉर्डिंग किसमें डी ग्रीन uh, को अगर हम डिकॉर्ड करेंगे तो क्या आंसर आएगा ब्लू ओके सो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन ए ब्लू ओके सो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है आपने अच्छे से वीडियो को देखना है डिकॉडिंग में यूज़ होता है कॉल्ड और डिकॉडिंग में यूज़ होता है मीन्स कॉल्ड वाले में आप फॉरवर्ड देखते हो मीन्स वाले में आप बैकवर्ड देखते हो ओके सो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है आपने इस वीडियो को अच्छे से देखना है नेक्स्ट क्ला नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपने भी इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अच्छे से ट्राई करनी है ओके बाय स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे